पशुपालक भाइयों, यहाँ पर स्क्रीन पर आपको ये सवाल दिखाई दे रहा है ना, यही हमारी सबसे पहली और इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजी है मिल्क फीवर इस रोग को रोकने के लिए। पशुपालकों में ना ये चीज बहुत प्रचलित है, ब्यान के पहले दुधारू पशुओं को कैल्शियम दीजिए, ब्यान के पश्चात बहुत अच्छा दूध उत्पादन मिलेगा। हमें भी बहुत बार पशुपालक बोलते हैं, मैडम कोई अच्छा कैल्शियम का दवाई लिख के दीजिए, मेरा पशु अभी एक महीने में ब्यान होने वाला है। ब्यान के एक माह पूर्व कैल्शियम की दवाई, मतलब आप पीने के स्वरूप में दे रहे हैं या फिर किसी और स्वरूप में दे रहे हैं, ये ना पूरी तरीके से बंद कर दीजिए, क्योंकि इसकी वजह से शरीर की कैल्शियम बनाने की तथा इस्तेमाल करने की प्रक्रिया में बाधा आती है। ब्यान के बाद अगर पशुओं के शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो इसे हड्डियों से अवशोषित किया जाता है। ब्यान से एक माह पूर्व अगर आप अलग से बाहर से कैल्शियम नहीं दोगे तो हड्डियों से कैल्शियम अवशोषित करने की प्रक्रिया ब्यान से पहले ही पशुओं में आ जाती है। हड्डियों से कैल्शियम अवशोषित करने का काम पैराथायरॉइड हार्मोन का है। ये हार्मोन सक्रिय हो जाता है, मतलब उसका काम करने में सक्षम हो जाता है। इस गुणधर्म की वजह से ब्यान के बाद भी पशुओं की खून में कैल्शियम की मात्रा कम नहीं होती और हम इस रोग से पशुओं को बचा सकते हैं। ब्यान से एक माह पूर्व अगर आप बाहर से कैल्शियम दोगे तो शरीर को रेडीमेड कैल्शियम मिल रहा है, इसीलिए हड्डियों से कैल्शियम अवशोषित करने की प्रक्रिया ब्यान से पहले पशुओं में नहीं आएगी। आपको ये समझना है कि गाय एक खिलाड़ी है जिसे कि ब्यान के बाद भागना है, मतलब कि अच्छा दूध उत्पादन करना है, जिसके लिए कैल्शियम की जरूरत है। अगर ये खिलाड़ी पहले से ही रोज थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग करे तो बेहतर कर पाएगा। उसी प्रकार से इसे ब्यान के पूर्व ही कैल्शियम बनाने की थोड़ी थोड़ी कैपेसिटी आ जाए तो ब्यान के बाद दूध उत्पादन ज्यादा होने पर भी कैल्शियम की कमी नहीं होगी। हमने खुद देखा है पशुपालक भाइयों को जानकारी न होने की वजह से दिन में 100-150 ml प्रति गाय प्रति भैंस कैल्शियम दे रहे हैं। ध्यान में रखिए, ये पूरी तरीके से गलत है। यहाँ पर आपके दो फायदे होंगे, पहला तो कैल्शियम पर जो खर्च हो रहा है वो बच जाएगा और दूसरा है कि पशु भी दूध ज्वर जैसे भयानक रोग से दूर रहेंगे।